सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सियालकोट अलखुदी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जर्नलिस्ट जावेद गुल के आजाज में तकरीब अनवान जावेद गुल के नाम एक शाम का एहतमाम किया गया। तकरीब में जर्नलिस्ट जावेद गुल की सहाफती और समाजी खिदमात को बेहद सराहा गया। मियां मसूद एडवोकेट आतिफ असलम, मलिक मुश्ताक, इलामा इफ्तखार ने जर्नलिस्ट जावेद गुल को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए और फूलों की माला पहनाई और सकाफती कुल्ला पहनाया और याद शील्ड पेश की। इस मौका पर सदर अलखुदी वेलफेयर फाउंडेशन के सदर हुमायूं अलखुदी ने खिताब करते हुए कहा कि जावेद गुल की सियासी और समाजी खिदमात काबिले तहसीन है। अदबी मैदान में उन्होंने जिस तरह मेहनत और जदोजहद की है वो मुकाबले दीद मिसाली है। सहाफत के मैदान में उन्होंने न सिर्फ मिसाइल को उजागर किया बल्कि उन मिसाइल के हल के लिए उन्होंने अपने तन मन और धन की परवाह किए बगैर अपने मिशन को जारी रखा है। जनरल सेक्रेटरी मियां मसूद एडवोकेट ने कहा के छोटे छोटे बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए जावेद गुल की खिदमात को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जावेद गुल के लिए एक शाम उनके नाम करना अदब को फरोग देने के मुतरादिफ है। खिदमात के इतराफ में जावेद गुल के नाम तकरीब का एहतमाम किया है। इस मौका पर इलामा इफ्तखार, मलिक मुश्ताक और दीगर ने खिताब करते हुए जर्नलिस्ट जावेद गुल की सहाफती और समाजी खिदमात को बेहद सराहा गया और मौका पर शुरका तकरीब ने जावेद गुल के साथ मिलकर केक काटा। Thank you.